ईस्ट सियांग जिले में राज्य के पहले सैनिक स्कूल ने बच्चों और उनके माता पिता के मन में देश सेवा के लिए एक नया उत्साह पैदा कर दिया है। राज्य के पहले सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले 60 बच्चे यह समझते हैं कि सैनिक स्कूल उनके लिए क्या मायने रखता है। स्कूल के प्रिंसिपल भी कहते हैं कि सैनिक स्कूल का पहला उद्देश्य देश सेवा की इच्छा रखने वाले बच्चों को हर तरह से तैयार करना है। बेसिक एम होता है बच्चों को डिफेंस फोर्सेस के लिए तैयारी करवाना, चाहे वो आप एनडीए बोलें या फिर सीडीएस बोलें या फिर टीईएस एंट्री होता है, किसी भी माध्यम से डिफेंस के अंदर एज एन ऑफिसर हम इनको वहाँ पे भेजने के लिए तैयार करते हैं। मैं सैनिक स्कूल में इसलिए आया हूँ क्योंकि यह हमें ऑलराउंडर डेवलपर बनाता है, के कारण से हमें एक अच्छा ऑफिसर बनने का मौका भी मिलता है, मैं अपना देश का सुरक्षा कर सकूँ। सर, ये ऐसा जगह है जहाँ में हम लोग अच्छा जहाँ में हम पढ़ सकते हैं और हम लोग को भरा हो फौजी और आर्मी लोग में ज्वाइन करने आसान हो सकते हैं। सैनिक स्कूल में पढ़ कर भरा होकर देश का सेवा करना चाहते हैं। राज्य के पहले सैनिक स्कूल में दाखिला पाने वाले बच्चों के अभिभावक भी कहते हैं कि देश सेवा के साथ उनके बच्चों को दूसरे बच्चों की तरह आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। मुझे तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरा इस बेटा सैनिक स्कूल में क्वालिफाई होकर अभी पढ़ रहा है। वहाँ में छोटा था तब से बोल रहा था कि आर्मी में काफ़ी इंटरेस्ट है बोल के, तो ठीक है देश सेवा के लिए भेजना था, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। ना, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि ये तो बहुत साल से हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि सैनिक स्कूल मतलब अरुणाचल में आए, और इस बार मैं एज ए पेरेंट्स ऑफ कैडेट पैकेंस हो रहा हम लक्की फील कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ। मतलब स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य के साथ मिलकर कई कदम उठाए गए हैं। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में स्कूली शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन राज्य के पहले सैनिक स्कूल ने उम्मीद की किरणें भर दी हैं।